इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या, रिप्रोडक्शन आप वर्ड से क्या समझते हैं, इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन देखो, जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे बने, री एंड प्रोडक्शन, ठीक है। री मीन्स क्या होता है, अगेन होता है, और प्रोडक्शन मीन्स बनना, ठीक है, किसी चीज़ का फिर से बनना, रिप्रोडक्शन बोला जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन पे क्या लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ये ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, एक ही पेरेंट्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इस कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू वन। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक नए सेल को बनाते हैं, या फिर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं, वो जो मेथड होता है, वो बाइनरी फ्यूजन होता है। ये बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इन बाइनरी फ्यूजन सेल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स रैपिडली ग्रो एंड बींग एडल्ट। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल होता है, वो क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट में डिवाइड करके क्या करता है, सेल्स ग्रो करने लगते हैं और एडल्ट हो जाते हैं। फिर वो जब सेल एडल्ट हो जाएंगे, फिर वो डिवाइड करके अपनी नंबरिंग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये होता है बाइनरी फ्यूजन। अभी तो हम थोड़ा फिगर से समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। तो भाई, ये रहा बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है। अब इसको डिवाइड होना है, तो क्या करेगा, पहले डिवाइड होने के लिए हमने सेल डिवीजन में क्या पढ़ा था, जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। अब जब डिवाइड होना होगा इसको, तो इसकी जो डीएनए है, या फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डबल होगा, क्योंकि दो सेल बनाने हैं। तो यहाँ पे रिप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा। रिप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए की जो क्वांटिटी होती है, वो डबल हो जाती है, ठीक है, सेल के अंदर। फिर जब डीएनए की क्वांटिटी डबल होगी, तो थर्ड फेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा, उसका सेग्रीगेशन होगा सेल के अंदर। एक न्यूक्लियस, जब डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, तो एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ चला जाएगा, और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस इस पोल की तरफ चला जाएगा, या फिर इस साइड चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस इस साइड चला जाएगा, और बीच में ऐसे सेप्टा की तरफ फॉर्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये दोनों सेल्स डिवाइड होकर एक दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म कर लेंगे। ये होता है बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट्स का मतलब, दो मीन्स बाइनरी, यहाँ पे दो मतलब बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन मतलब दो पार्ट्स में टूट जाना या फिर डिवाइड हो जाना, इसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार बाइनरी फ्यूजन हम लोग रिवाइज करके चलते हैं। बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, तो बाइनरी फ्यूजन का जो मेन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरी बॉडी होती है, वो दो पार्ट में टूट जाती है, फिर उनके ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, वो दो पार्ट में उनका विखंडन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल है, इससे पेरेंट सेल से क्या बन रहा है, दो बॉडी सेल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहे ना। बट इसमें क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है। और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ये देखो, ये बाइनरी फ्यूजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, ये क्या किया, पहले डिवीज़न करना स्टार्ट किया, तो पहले सेल की जो
साइज है वो बढ़ेगी, उसके बाद न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। फिर फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, जब सिंगल सेल को डिवाइड करना होता है तो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो डेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डुप्लीकेशन होता है, रिप्लीकेशन होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल की जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो दो मतलब दो जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं एक सेल में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है और एंड ऑफ दी ये प्रोसेस क्या बनाता है, दो डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात देख लेते हैं, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल सेल कैपेबल होता है अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एज दिस ऑफस्प्रिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट, इसमें ये क्वेश्चन है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है या फिर कोई डॉटर सेल बन रहा है किसी पेरेंट्स से बन रहा है तो क्या होगा कि वो तो पेरेंट्स से सेम होगा ना। तो इसमें क्या लिखा है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सर्च मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, उसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कुछ जेनेटिकली जो रेशियो होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, सिमिलर होगा। ये होता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लेन एरिया, ठीक है। बस एक सिंपल सा टर्म में इसमें समझना है कि जैसे अभी बाइनरी फ्यूजन में क्या होता था कि जो रिप्रोडक्शन होता था वो क्या होता था कि एक इंडिविजुअल सेल था वो दो सेल में डिवाइड हो जाता था, मतलब बाइनरी मतलब दो सेल में फिजन मतलब डिवाइड हो जाना, ठीक है। और क्या होता था, हाइड्रा में कैसे होता था, बडिंग के थ्रू होता था, मतलब जो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है उसके ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है, जब बर्ड फॉर्म होता है तो वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है या फिर पेरेंट एनिमल से अलग हो जाता है और फिर एक नए एनिमल को डेवलप कर देता है। बट प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया क्या होता है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है, ठीक है। प्लेनेरिया क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्लोटवर्म होता है, ठीक है। ये पानी में पाया जाता है या फिर एक्वस लैंड होता है जहाँ पे वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि अभी इस टर्म को समझ लेते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है उसके बाद हम ये समझेंगे। तो ये प्लेनेरिया क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये रिप्रोडक्शन ऐसे करता है कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब ये प्लेनेरिया क्या होगा, इस प्लेनेरिया के ऊपर हम तीन कट लगा देंगे। आप चाहे तो चार कट लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये साइज में कितनी बड़ी है, ठीक है। अब हम तीन कट लगा देंगे तो ये प्लेनेरिया क्या होगा, तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। तो सपोज करो मैं ऐसे ही फिगर बना दे रहा हूँ, एक ये प्लेन एरिया हो गया, एक ये प्लेन एरिया का पार्ट हो गया, ये एक प्लेन एरिया का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये तीन पार्ट जो है प्लेन एरिया का, ये क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा और तीन नए प्लेन एरिया को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये अगर प्लेन एरिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है, हेड वाला पार्ट है, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये टेल वाला पूरा पार्ट जनरेट करेगा, ये पूरा पार्ट जनरेट करेगा, नीचे का पार्ट रीजनरेट होगा, ठीक है। और ये वाला अगर पार्ट है तो ये जनरेट करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला हाफ पार्ट। अगर ये टेल वाला पार्ट है तो ये पूरा हेड वाला पार्ट जनरेट करेगा। इस प्लेन एरिया में रिप्रोडक्शन इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तीन प्लेन एरिया रिप्रोड्यूस हो जाएंगे बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। ये तो प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। तो अभी इसको देख लेते हैं सेंटेंस को, द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया आर सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स आर कट इनटू टू पार्ट्स। जो बॉडी होती है प्लेनेरिया की उसको दो पार्ट में सेपरेट कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं या फिर दो से अधिक पार्ट में भी सेपरेट या कट कर सकते हैं। एंड ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू मिसिंग पोर्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, ईच पार्ट इसमें क्या बोला है कि ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू दी
मिसिंग पोर्शन, ईच मतलब प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, क्या रीजनरेट करेगा, मिसिंग पोर्शन, जो पोर्शन मिसिंग है बॉडी में उस पोर्शन को ये रीजनरेट करेगा, एंड अराइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल और अराइज कंप्लीट इंडिविजुअल, और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिए, अब रिप्रोडक्शन इन अमीबा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। तो जो अमीबा रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है तो वो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल सेल का दो पार्ट में फ्यूजन हो जाना या फिर दो पार्ट में टूट जाना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस किए थे क्या, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो थोड़ा सा बाइनरी फ्यूजन हम यहाँ पे समझ लेते हैं और देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता कैसे है, ठीक है। अभी आपको एक फिगर दिखाते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये फिगर है एक, ठीक है, ये अमीबा का फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमीबा का पेरेंटल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबा का पेरेंटल सेल है नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ क्या होगा, डिवीज़न जब स्टार्ट होगा या फिर जब बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये इसका जो डीएनए है ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया डीएनए का या फिर एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो दो डीएनए की डबलिंग हो जाती है, मतलब डीएनए की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा तो लास्ट में क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे, एक पेरेंटल सेल होगा, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल क्या करेंगे, डेवलप होके एक नया एडल्ट सेल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, ठीक है। ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का अमीबा में, जो कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है इसमें रिप्रोडक्शन, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग समझे थे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है अमीबा में और कैसे होता है, या फिर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है, कौन सी टॉपिक। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्पर्म सेल एंड एग सेल, ठीक है। एग सेल क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको एग स्पर्म सेल बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको एग सेल बोलते हैं, ठीक है। अभी मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिर्फ बेसिक हमको जानना है। जो मेल गैमेट होता है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। ये टेस्टिस हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करने में, स्पर्म प्रोड्यूस करने में, ठीक है। बेसिक सा है, अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का वो एक पेयर टेस्टिस कंसिस्ट करता है, और वो टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे देखा, स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच टेस्टिस ऑफ एडल्ट मेल, ठीक है। तो स्पर्म सेल एडल्ट मेल के टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। एंड सेकेंड इज, एंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ ओवरीज कंसिस्ट करता है। वो ओवरी क्या करता है, एक सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया एग सेल एंड स्पर्म सेल। अब एग सेल स्पर्म सेल करते क्या, एंड न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। अब न्यू ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं, प्रोड्यूस व्हेन स्पर्म सेल कम्स टू कॉन्टैक्ट इन एग सेल। नए ऑर्गेनिज्म तब बनते जब एक स्पर्म सेल ओवम एग सेल से या फिर ओवा से फ्यूज करता है, तब जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं इस प्रोसेस से, बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म सेल ओवा से या फिर एग सेल से फ्यूज करता है, उस कंडीशन में जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और जो एग सेल का न्यूक्लियस होता है एक दूसरे से कंबाइन होता है, मतलब वो भी एक दूसरे से फ्यूज करते हैं या फिर कंबाइन कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ये छोटा सा क्लिप है, इसमें आप देख सकते हैं स्पर्म सेल ओवम से कैसे जाके फ्यूज कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है अपने टेल से, उसके जाके फ्यूज कर जाता है। एंड में भी रिप्रोडक्शन सेम होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है वो पोलन ग्रेन होता है, और जो
जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, ओवा होता है। इसमें क्या होता है, जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज करता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो इन द रिजल्ट क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है प्लांट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस देख लेते हैं, इन प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर इन द सिमिलर वे व्हेन पोलन ग्रेन, क्या होता है, पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट का पोलन ग्रेन होता है, मेल गैमेट होता है, वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है एग को, ठीक है। जब एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, एज रिजल्ट सीड आर प्रोड्यूस, रिजल्ट में क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। ये होता है प्लांट्स में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट्स, मतलब एक सेल एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये छोटा सा क्लिप है, इसमें देखिए कि ये पोलन ग्रेन जाके कैसे ओवम को फ्यूज करता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है, अब ये धीरे धीरे पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी देखो ये पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म करता है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट हुआ, अब ये ओवम से जाके फ्यूज कर गया पोलन ग्रेन, ठीक है। अब फ्यूज करने के बाद क्या करेगा, ये सीड का प्रोडक्शन करेगा, मतलब सीड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा या सीड फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो ये मेथड होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन का, दोनों में सेम होता है, प्लांट में भी स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, और एनिमल में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। ये मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जिस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास एट्थ में या फिर नाइन्थ में बस बेसिक लेवल पे, इसके एडवांस लेवल पे आपको मिलेगा एलेवेंथ में या फिर ट्वेल्थ में मिलेगा, ठीक है। तो ये है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये इसका फिगर है, देख लीजिए एक बार। थोड़ा ब्रॉड में मैं बना दिया हूँ, मतलब कि ऐसे ही बना दिया हूँ ब्रॉड में, जैसा कि अभी बुक में नहीं दिया है सर, लेकिन बुक में एकदम सिंपल सा दिया है, मैं थोड़ा वो करके बना दिया हूँ, डिस्क्राइब करके बना दूँ, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस का होता है, ठीक है। जो मतलब जो सबसे मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये जो टेस्टिस पूरा कवर होता है, ये टेस्टिस कवर होता है हमारे स्क्रोटम से, स्क्रोटम से ये टेस्टिस कवर होते हैं। अब आता क्या है, स्क्रोटम से टेस्टिस कवर होता है, और जब स्क्रोटम, ये हमारा स्क्रोटम है, इससे टेस्टिस कवर होता है, और टेस्टिस और स्क्रोटम की जो कनेक्टिविटी होती है, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं गुब्रेनकुलम, एक फाइबर होता है, उससे स्पर्म और टेस्टिस और स्क्रोटम की कनेक्टिविटी होती है, जिससे कि ये मतलब स्टेबल रहता है। ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें बस हमको बस इतना ही जानना है, इसके पार्ट्स मैंने ऐसे डिस्क्राइब कर दिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये पार्ट होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और एक ये देख लीजिएगा, स्पर्मेटिक कार्ड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट कराते हैं किससे, टेस्टिस से, ठीक है। और इससे इसमें क्या पाया जाता है, इसमें नर्व ट्यूब्स पाए जाते हैं। बस इतने दो तीन पार्ट्स हमको अच्छे से पढ़ने थे, ठीक है। और एक कंडीशन ये आता है कि जब जब कोई कोई बेबी या फिर कोई चाइल्ड मतलब कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। उसके बाद जब वो बर्थ का टाइम आता है उसका, तो क्या होता है कि वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी टेम्परेचर से दो तीन डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेल हैव ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस। मेल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और वाइल फीमेल हैव सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज, जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरीज होता है, ठीक है। मेल हैव सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे सेक्स रहेगा,
मेल हैव सेक्स ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस, मेल के पास जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं या फिर टेस्टिस मेल का सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल हैज सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज, फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। ये हमको बस बेसिक पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इवन इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस मेल एंड फीमेल शो डिफरेंस। देखो मेल में सेक्स ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है ओवरीज होता है। और क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का अलग होता है, ठीक है। ये था थर्ड वाला या सेकेंड वाला। दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अदर क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उनको बेसिक देखना है। इसमें पहला टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है ना वो मेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। टेस्टिस मेल सेक्स सेल, जो टेस्टिस होता है वो मेल सेक्स सेल स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में ही सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन से ये प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, ये होता है टेस्टिस में होता है, ठीक है। मैं छोटा सेंटेंस बनाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है, सेंटेंस नहीं देखना है कि सेंटेंस क्या, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो वो टेस्टिस में होता है, और कोई आपसे पूछे कि सेक्स ऑर्गन का सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो भी होता है हमारे टेस्टिस में, और सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ डक्ट विच कैरी स्पर्म फॉर द फ्रॉम द टेस्टिस। अब मेल सेक्स ऑर्गन में या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक डक्ट सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं स्पर्म को कैरी करने में हेल्प करती है, मतलब स्पर्म को कैरी करती हैं, ले जाती हैं, ठीक है, थीके? इसका मतलब ये होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डक्ट सिस्टम, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, वो डक्ट सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं, वो क्या करती है सेमिनल फ्लूड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो स्पर्म के साथ जो फ्लूड निकलता है हमारी मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं, ठीक है, थीके? जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं या फिर जो एसोसिएटेड होती हैं किससे, डक्ट से एसोसिएटेड होती है, नलिकाओं से एसोसिएटेड होती हैं, वो क्या करती है सेमिनल फ्लूड के फॉर्मेशन या फिर हाँ फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा सेकेंड वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक मैं पहले ही बताया था फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवरीज होता है वहीं पे एक का फॉर्मेशन होता है, फिर या ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ एग, मतलब जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको ये याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ओवरीज में होता है, तो ओवरीज एक पेयर होता है हमारी मतलब फीमेल की बॉडी। रिसेप्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन के दौरान जो स्पर्म का रिसेप्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, या फिर स्पर्म जो रिसीव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किया जाता है, ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ कंडेंसिव इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, और ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है किसके, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल सेल, जो मेल का जर्मिनल सेल और फीमेल का जर्मिनल सेल, मतलब स्पर्म ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है या फिर जब फ्यूज़न होता है उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी मैं फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था जिसमें एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था और इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फॉर दिस प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर एंड नरिशमेंट, ये शेल्टर और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिएंट देता है ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है, और एक बॉडी का फॉर्मेशन कर सके। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ताकि वो ग्रो कर सके, बॉडी को डेवलप कर सके, ठीक है। ये लास्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ एग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है,
ये एग के फॉर्मेशन में और एग के मैचुरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि हेल्प करता है एग के फॉर्मेशन में और एग के मैचुरेशन में। पहले एक फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन होगा, फिर मैच्योर होता है, फिर जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एंड फीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द ओम, ठीक है। ये क्या करता है, फीड करता है और प्रोटेक्ट करता है इसको, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को फीड करना मतलब एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, या फिर हाँ एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है इनसाइड द वूम, ठीक है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका फिगर देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत बेसिक सा है, हमने फिगर बनाया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार समझ लीजिए। अब वो जो बुक में दिया वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ज़्यादा समझ नहीं दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और लिखा कितना है, बहुत थोड़ा सा लिखा। ये ओविडक्ट होता है, ठीक है, और ये ओवरी होता है। ओवरी में क्या होता है, एक्सेल का फॉर्मेशन होता है, ये वेजाइना होती है, ये सर्विक्स होती है, और ये यूरेटस होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही जानना है, बाकी ब्रॉड में जानना है या फिर डिटेल में जानना है तो आपको 10th या 11th में मिल जाएगा। थैंक यू।